गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी रीड ए न्यू चैप्टर. वी शैल रीड ए न्यू चैप्टर ऑफ दिस बुक बिहाइव चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. एक सचमुच सुंदर दिमाग मन जैसे इन्हीं के बारे में पढ़ना है. आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 ये 1900 ईस्वी का इनका फिगर है जो 21 साल के जब हुए थे. आइंस्टीन इन 1955 आफ्टर 55 ईयर्स 1955 में एज वी रिमेंबर हिम नाउ जैसा कि हम लोग आज इनको याद रखते हैं. आइंस्टीन का फिगर देख करके हम बता सकते हैं लेकिन इस फिगर से तो नहीं कह सकते कि वो इज दिस पर्सनालिटी इज कौन है ये पर्सनालिटी. तो अब हम चैप्टर को देखते हैं. इसमें आइंस्टीन के जीवनी के बारे में बताया गया है जिस तरह से हम लोग इस उस्ताद बिस्मिल्ला खान को इन द सेम वे वे रेड उस्ताद बिस्मिल्ला खान शहनाई मेस्ट्रो फ्रॉम विलेज टू राष्ट्रपति भवन ही ट्रेवल एंड अचीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ दिस कंट्री भारत रत्न बाय हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ शहनाई के क्षेत्र में अपने योगदान को लेकर के इन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो उनको मिला. यहाँ भी हम एक कैसे व्यक्ति के बारे में पर्सनालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे जो दुनिया के 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक हैं. ही द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरीज. ही गिव द स्पेशल थ्योरी वेरी फेमस फार्मूला टू द वर्ल्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ई बराबर MC² वी नो अबाउट दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिज लाइफ इन दिस चैप्टर. हम लोग जानेंगे इन एक संक्षिप्त इस चैप्टर में उनके संक्षिप्त जीवन के बारे में. ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हेडिंग है, बहुत अच्छा है. इस चैप्टर का शीर्षक जो है टाइटल है सचमुच सुंदर दिमाग है भी और हम टाइटल भी दिया गया है. बहुत ही एक सुटेबल टाइटल है. इट इज़ ए वेरी सुटेबल टाइटल ऑफ दिस चैप्टर. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी. एक महान वैज्ञानिक को हम पढ़ने जा रहे हैं. पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड मैंने हाँ हम देखें हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस. जब आप जीनियस जैसे शब्द को सुनते हैं तो हु डू यू थिंक ऑफ आप किसके बारे में सोचते हैं, किसको सोचते हैं. हु डू यू थिंक ऑफ आप किसके बारे में सोचते हो जब जीनियस जैसा शब्द हमारे दिमाग में आता है. हु इज ए जीनियस. जीनियस कौन होता है, विलक्षण प्रतिभा वाला आदमी कौन होता है. व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक ए जीनियस हैज. व्हाट क्वालिटी किस तरह का गुण डू यू थिंक जो आप सोचते हैं जीनियस हैज एक जीनियस के पास होता है. व्हाट क्वालिटी ए जीनियस हैज डू यू थिंक. तो नाउ वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टूक द वर्ल्ड बाई स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. अब हम लोग वी शैल नाउ रीड हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल का प्रयोग है. देखिए पढ़े होंगे फ्यूचर सिंपल ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट सरकारी सेवक है. हु किसके लिए है गए यंग जर्मन सर्वेंट के लिए है. हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है. टुक द वर्ल्ड बाई स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. लगभग 100 वर्ष पहले पूरी दुनिया में तूफान ला देता है. बाई स्टॉर्म खड़ा कर दिया, आधे ही खड़ा कर दिया. टुक बाई स्टॉर्म एडमेटिक यूज है. इन सितंबर ऑफ
1905 की ग्रीष्म ऋतु में द 26-year-old पब्लिश्ड क्विक सजेशन क्विक सक्सेशन फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर। 26 साल का यंग जर्मन लगातार जल्दी जल्दी क्विक मनी जल्दी जल्दी सक्सेशन मनी वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर अपने थ्योरी को ग्राउंड ब्रेकिंग मैंने दुनिया को हिला देने वाला, दुनिया को अचंभा कर आश्चर्यचकित कर देने वाला बहुत महान पेपर को, ग्राउंड ब्रेकिंग दुनिया को हिला देने वाले पेपर को उन्होंने पब्लिश किया, प्रकाशित किया। और ये देखिए किसके बारे में है, अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल, द इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स ऑफ मूविंग पार्टिकल एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में ये चार पेपर प्रकाशित करके पूरी दुनिया को इन्होंने हिला दिया। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेपर पेजेज इन साइंटिफिक जर्नल। इनके काम ने कुछ ही पृष्ठों को साइंटिफिक जर्नल मैगजीन होता है पत्रिका, वैज्ञानिक पत्रिकाओं के कुछ ही पेजों को लिया इनके कामों ने, जर्नल ने, वर्क ने। बट चेंज फॉर एवर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्पेस टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस। लेकिन बहुत कम जगह लेने वाले इनके पेजों ने वैज्ञानिक पत्रिकाओं में ये दुनिया को बदल कर रख दिया, दुनिया के चेंज फॉर एवर और अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ को स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में एंड द इंटायर कॉस्मोस। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए फॉर एवर बदल दिए एंड ट्रांसफॉर्म द नेम। और इस नाम को देखिए आइंस्टीन इन्वर्टेड कोमा में है, देखिए इन्वर्टेड कोमा में, इनटू ए साइनोनिम ऑफ जीनियस, मीन्स आइंस्टीन का मतलब जीनियस और जीनियस का मतलब आइंस्टीन, ये पर्याय बना दिया, पर्यायवाची बन गए साइनोनिम। जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो है ना, जैसे पानी का अंबु, निधि है ना, जल, उसी तरह से आइंस्टीन का मतलब जीनियस और जीनियस का मतलब आइंस्टीन हो जाता है। 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टील रेन। अल्बर्ट आइंस्टीन की जीनियस आज भी पूरे विश्व पर शासन करता है, स्ट्रेन करता है, गवर्न करता है। इनकी हस्ती आइंस्टीन के जीनियस, आइंस्टीन की परिभाषा, प्रतिभा विलक्षण। अब हम देखें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बर्न ऑन 14th March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डिस्टाइन फॉर ग्रेटनेस। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को होता है इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जो उल्म के जर्मन शहर के उल्म में, जर्मन का एक शहर है उल्म, वहाँ पर होता है। विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई लक्षण नहीं है इनके अंदर, ही हैड नो एनी साइन दैट ही वाज डिस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि इसके महानता के लिए भाग्य में है, डेस्टिनी माने भाग्य, फेट, डेस्टिनेशन इसी से बन जाता है, डेस्टाइन टू कि भाग्य में, ऐसा तो लिखता नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई लक्षण नहीं है कि ये महान बनेंगे अपने जीवन में। ऑन द कंट्रेरी, ठीक इसके विपरीत, कंट्रेरी माने अपोजिट, ऑन द कंट्रेरी एक साथ रहेगा, एडिमेटिक भी अभी है, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रिक, इनकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट फ्रिक, फ्रिक मीन्स देखिए लिखा हुआ
ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली, डिसअप्रूविंग का अप्रूविंग मैंने स्वीकार करना, डिसअप्रूविंग मैंने अस्वीकार कर देना, नेगेटिव सेंस के लिए आता है। ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बातचीत करने के लिए, व्हिच अनयूजुअल हो, जो असामान्य हो, एंड डजेंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स, और दूसरों की तरह वो व्यवहार नहीं करता हो, करता है, दिखता है और सोचता है, ऐसा व्यक्ति माने दूसरे टाइप से सोचता हो, दूसरे लोगों की तरह हो, न दिखता हो, न व्यवहार करता हो, न लगता हो, है ना, सोचता हो, है ना, अर्थात ऑड हो, थोड़ा सनकी टाइप का, थोड़ा विभिन्न विचित्र तरह का। तो माँ सोचती थी कि ये फ्रिक है, ऑड है, थोड़ा सनकी टू हर, उनके लिए हिज हेड सीम्ड, लगता था मच टू लार्ज, लगता था कि माथा बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ टू एंड हाफ वर्ष की उम्र में, अढ़ाई वर्ष की उम्र में, आइंस्टीन स्टील वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन अभी भी बात नहीं करते थे, बोल नहीं पाते थे। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब अंत में वो सीख गए, डिड लर्न यहाँ इम्फेटिक है, जब सीखे हुए अंत में, यहाँ इम्फेटिक या दिया स्ट्रक्चर इम्फेटिक बनाया गया है, जोरदार बनाया गया, इसलिए कि अढ़ाई साल का बच्चा अभी तक बोल नहीं रहा है। जब फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब बोलना वो सीखता है, ही ऑटर एवरीथिंग ट्वाइस, तो वो हर चीज़ को, एवरीथिंग, हर चीज़ को ट्वाइस, दो बार बोलता था। अटर में स्पोक, अटर मैंने बोलना, यहाँ दो बार बोलते थे एक ही बार, एक ही बात को। आइंस्टीन डिड नॉट नो हाउ टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, और ये भी देखिए, इसको पता नहीं था कि हाउ टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर, और प्लेमेट, खेलने वाले जो बच्चे थे, जैसे क्लासमेट, वर्ग साथी, रूममेट, रूम का साथी, तो प्लेमेट कंपाउंड वर्ड हो गया, प्ले और मेट शब्द बदल करके, क्लासमेट, प्लेमेट, रूममेट, तो प्लेमेट, खेलने वाले बच्चे, कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर, ब्रदर बोरिंग, कहते थे कि उबाऊ भाई है, बोरिंग का मतलब उपजाना, उपजाते हैं इसने। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसीलिए यंगस्टर बच्चा अपने आप से खेलता था, मच ऑफ द टाइम, अधिकांश समय में देखा जाए तो खुद से खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, टॉयज को खास करके, ये विशेषकर यंत्र वाला, मैकेनिकल यंत्र वाले खिलौने को लाइक करते थे, लव करते थे। लुकिंग हेट इज न्यू बॉर्न सिस्टर मज्जा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब ध्यान से देखते थे अपने अभी अभी जन्म ली हुई बहन मज्जा को, तो ही सेड टू हैव सेड, ऐसा कहा जाता है, ही सेड टू हैव सेड, ऐसा लोग कहते हैं कि ये लड़का कहता था, फाइन, बहुत अच्छा है, बच्ची बहुत अच्छी है, बट वेयर आर हर विल्स, लेकिन कहाँ पर है इसके चक्का, इस बच्ची का चक्का कहाँ है, विल्स कहाँ है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना। अब देखते हैं इनके, एक कहानी है इनके बारे में, ऑटो, देखिए यहाँ पर आते हैं, फिर हम लोग वहाँ शुरू करेंगे पैराग्राफ को, थ्री को। ऑटो न्यू जेवर, द हिस्टोरियन ऑफ एशियंट मैथमेटिक्स, ऑटो न्यू जेवर जो है एक इतिहासकार है प्राचीन मैथमेटिक्स के, हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैंने प्राचीन मैथमेटिक्स के इतिहासकार है। टोल्ड, देखिए, ऑटो टोल्ड ए स्टोरी अबाउट वा एंस्टाइन्स, वा एंस्टाइन के बारे में कहानी उन्होंने कहा कि दैट ही करेक्टराइजेस, कि वो एक लक्षण दिखाता था, करेक्टरिस्टिक शो करता था, करेक्टरिस्टिक्स में लक्षण, एज ए लीजेंड, जैसा कि एक लीजेंड है, लीजेंड का मतलब दंत कथा, मैंने स्टोरी हैंड ओवर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कहानी जाती है, दंत कथा, उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, उसको लीजेंड बोल दिया, इन्वर्टेड कॉमा में देखे,
बट दैट सीम फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है. फेयरली एडवर्ब हो गया, थोड़ा मात्रा को रेदर फेयरली का प्रयोग फेवरेबल एडजेक्टिव में हम लोग यूज करते हैं, है ना, थोड़ा ज़्यादा प्रमाणिक लगता है. एज ही वॉज ए लेट टॉकर, जैसा कि वो देर से बोलने वाला आदमी था. हिज पेरेंट्स वेयर ऑरिट, बच्चा देर से बोलने वाला था, इसीलिए माता पिता स्वाभाविक है कि बच्चे जल्दी नहीं बोले तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं कि पता नहीं डम तो नहीं हो जाएगा, गूंगा तो नहीं होगा. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, अंत में एक दिन रात में जो सपर टेबल, जो खाने के टेबल पर, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा. ब्रेक ब्रोक हिज साइलेंस, मैंने चुप्पी को तोड़ती हैं और कहे, द शॉप इज टू हॉट, इस शॉप बहुत ज़्यादा गर्म है. टू हॉट का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन एनफ टू ड्रिंक टेक, इतना ज़्यादा गर्म है कि इसको पिया नहीं जाता. ग्रेटली रिलीव्ड, बड़ी राहत हुआ उन लोगों को, हिज पेरेंट्स माता पिता को. आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, पूछते हैं कि क्यों तुमने अभी तक इससे पहले एक शब्द भी नहीं बोलता था, कहा था. अल्बर्ट रिप्लाइड, तो उस पर अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ मैंने अब तक, क्योंकि अब तक एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक सब कुछ व्यवस्थित था, कुछ गड़बड़ नहीं रहता था. दैट्स वाई आई हैड नेवर सेड ए सिंगल वर्ड बिफोर, इसीलिए मैं एक शब्द भी इससे पहले नहीं बोला था, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था. वाज इन ऑर्डर एकदम करेक्ट, सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें नहीं बोलते थे. जवाब आया, अब देखिए बच्चा बोलना सीख गया. नाउ वी कम टू द पैराग्राफ थर्ड हियर. ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार एक हेडमास्टर प्रधानाध्यापक टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर. चोज हो गया भीटू है, अपने प्रोफेशन के रूप में, अपने व्यवसाय के रूप में, पेशा के रूप में आइंस्टीन चाहे जो कुछ भी चुन ले, है ना, प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, ये कोई मतलब नहीं रखता है ना, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, ये किसी भी चीज में कभी सफल नहीं होगा. वाह, इतना बड़ा बात, ये महान वैज्ञानिक के लिए हेडमास्टर साहब का, इट इज़ वेरी सरप्राइज टॉक, वेरी अनयूजुअल टॉक, दैट वाह वन डे बिकेम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दैट सेंचुरी, एंड अप टिल नाउ आफ्टर हिज डेथ ऑफ 15 ईयर, नन हैज चैलेंज्ड हिज फॉर्मूला एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाई हिम, एंड नाउ ही इज ए रेन, ए जीनियस रेन टिल नाउ. और भी स्टिल अभी भी इनका प्रतिभा पूरे विश्व पर शासन कर रहा है, पूरे विश्व को आज लोहा मानना पड़ रहा है. इसके बारे में इस तरह की बातें एडमास्टर साहब सही से नहीं पहचान पाए. आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. आइंस्टीन वायलिन बजाना 6 साल की उम्र में सीखना शुरू कर दिया, बिगन लर्निंग, आरंभ कर दिए सीखना, प्ले बजाना द वायलिन एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की उम्र में ही, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि माँ ये चाहती थी उनसे. ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, वायलिन बजाने वाला, वायलिन से वायलिनिस्ट बन गया, है ना, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इन्होंने इस चीज़ को बरकरार रखा, मेंटेन रखा इस कौशल को थ्रू आउट द लाइफ. एमेच्योर का मतलब शौकिया होता है,
शौक से, ऐसा नहीं कि हमारा एक पेशा है, रोजगार है। एमेच्योर का मीनिंग देखिए दिया हुआ है, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, कोई चीज़ हम अपने व्यक्तिगत एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, रादर देन एज ए प्रोफेशन। रादर देन माने बदले के बदले, एज ए प्रोफेशन के बदले, एक पेशा के बदले, व्यवसाय के बदले हम किसी चीज़ को अपना एक एंजॉयमेंट के रूप में लेते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, एमेच्योर बोला जाता है। कि कहते हैं एमेच्योर वायलिनिस्ट बना है, और इस चीज़ को, इस स्किल को, इस कौशल को उन्होंने आजीवन थ्रू आउट हिज लाइफ मेंटेन भी रखा। नाउ अब हम जब पैराग्राफ देखिए 4 पर चलते हैं, जब से भी कोई टॉपिक चेंज होता है थोड़ा सा तो नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। देखिए पैराग्राफ को अब चेंज करना चाहिए लिखते वक्त भी, आंसर राइटिंग में भी। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बेड पीपल, अल्बर्ट आइंस्टीन कोई खराब छात्र नहीं थे, पीपल मैंने स्टूडेंट छात्र विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वे हाई स्कूल गए म्यूनिक में, वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव व्हेन ही वाज 15 मंथ। जब आइंस्टीन के परिवार जब मूव किया म्यूनिक में, जब वो 15 महीना के थे, तो ये गए थे स्कूल में। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, और उनको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन का मतलब ऑर्डर, जो वहाँ का डिसिप्लिन था। देखिए रेजिमेंटेशन, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मन एकदम हद, एक्सेस अति, इतना ज़्यादा अनुशासन करा था कि उसे वो घृणा करते थे। हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, बहुत करा, अति था अनुशासन, आदेश इतने करा थे कि उससे वो घृणा करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर, हिज टीचर्स, और अक्सर शिक्षक से झड़प हो जाता था, क्लैश हो जाता था, झगड़ा हो जाती थी, संघर्ष हो जाता था। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्टिफल अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड, सफोकेटेड मैंने घुटन महसूस करना सांस लेने में, तो यहाँ सांस लेने का मतलब वो ऑक्सीजन छोड़ना और लेना नहीं, इनहेल और एक्सहेल, नॉट हियर द मीन्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस, हियर वो वातावरण से वो अपने आप को घुटन महसूस कर लिए, इस तरह का व्यवस्था था स्कूल का। आइंस्टीन फेल्ट हो गया, सो इतना ज़्यादा घुटन महसूस किए कि देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, डिमेटिक यूज है, उन्होंने स्कूल को लीव लेफ्ट, लेफ्ट उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सिंपल पास्ट है, देखिए बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट पैराग्राफ 5, अल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान, इससे पहले एक वर्ष पहले अल्बर्ट के पिताजी लोग मिलान मूव कर गए, मिलान जगह है जर्मनी में। एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव, और अपने बेटे को संबंधियों के साथ छोड़ दिया, संबंधियों के यहाँ, रिलेटिव्स लोगों के यहाँ। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग देखिए प्रोलॉन्ग मन लंबी बहस, लॉन्ग हॉल, प्रो जुड़ा हुआ है, लंबी बहस के बाद, डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, आइंस्टीन की इच्छा हुई कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की जर्मन स्पीकिंग स्कूल में, इनको जर्मन था मदर टंग, इसलिए देखिए बेहतर है कि शिक्षा मदर टंग में ही लिया जाए तो अच्छा रहता है ना। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बहुत खुशी की बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, इसमें अप टू 5 क्लास द चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन मदर टंग, उनको मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी आया है नई शिक्षा नीति। आप देखिए यूट्यूब पर देख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020,
नई शिक्षा नीति 2020। तो ये जर्मन स्पीकिंग स्कूल में इन्होंने कंटिन्यू किया अपनी स्टडी को इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिख, ये शहर जहाँ से घुटन महसूस किए थे उससे ज़्यादा लिबरल है, लिबरल मन उदार, देखिए मीनिंग लिखा, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, इच्छा रखना समझने की और आदर करने की, दूसरे लोगों के विचारों को समझने की और आदर करने की इच्छा रखना, अर्थात उदार लोग थे वहाँ, है ना। अब हम एक पैराग्राफ देख लेते हैं। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन एक बहुत उनको मन हाईली गिफ्टेड मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इनका रुचि थी, बहुत अधिक हाईली गिफ्टेड रुचि थी एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स इनका रुचिकर विषय था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल को फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक्स, और उन्होंने निर्णय लिया कि हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ज्यूरिक्स में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम स्टडी करेंगे। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग्स दैट अपील टू द डैशिंग, डैशिंग माने होनहार, एक जिंदा दिल्ली, डैशिंग माने लाइवली, एकदम जिंदा दिल्ली माने बहुत खुश होनहार, खुशहाल, जिंदा दिल्ली, बड़ी खुश रहने वाले यंग मैन को केवल साइंस ही नहीं आकर्षक अपील करता था, अपील माने अट्रैक्शन था, विथ द वेरुलर स्टमिक्स और मस्टकल, जैसे मूछ देखिए यहाँ पर किस तरह से है, लग रहा है कि दरियाई घोड़ा का जो दांत होता है उस टाइप से इनका मूछ है, बड़ी अच्छा मूछ का, मूछ जो है मस्टकल्स का वर्णन है यहाँ पर, इसके फिगर में भी आप देख सकते हैं, है ना। तो नाउ आई स्टॉप माई क्लास एंड इन नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स। Have a good day, शुभ दिन, थैंक्स।